सभी हमारे कार्मिक सभी आए हुए आज इस बहुत शुभ दिवस पर सभी हमारे परिवारजन जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आए हुए सभी अतिथिगण, सभी हमारे संघों के यूजीबीएनएल के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज यूजीबीएनएल की स्थापना दिवस की बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ ही आज यूजीबीएनएल के उद्घाटन के साथ ही वार्षिक पुरस्कार से जो सम्मानित होने वाले हमारे सभी कार्मिक हैं, उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। बहुत ही बहुत शानदार कार्यालय बना है, उसमें एक साथ 500 लोग वहां पर काम कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि यूजीबीएनएल ने जल विद्युत के क्षेत्र में अपनी विकासशील सोच, अभूतपूर्व क्षमता एवं उच्च कोटि की कार्य संस्कृति के बल पर आज राज्य ही नहीं बल्कि देश भर के जितने भी सरकारी संस्थान हैं, उन सभी सरकारी संस्थानों में एक अलग पहचान बनाई है, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। राज्य स्थापना के उपरांत यूजीबीएनएल का जो गठन हुआ था, उसका सही अर्थों में ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए किया गया था, जिसे निगम द्वारा प्रतिवर्ष जो किए जाने वाले अपने रिकॉर्ड उत्पादन के माध्यम से बार बार अनेक चुनौतियों के बाद भी उसको साबित किया है। उन्होंने लगातार प्रत्यक्ष को कहते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो उस प्रकार की कार्य संस्कृति को आप सब लोगों ने लगातार धरातल पर उतारा है। मैं इस विशिष्ट अवसर पर आप सब लोगों से यह भी अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी और बेहतर कार्य संस्कृति, कुशल प्रबंधन के बल पर इसी प्रकार ऊर्जा के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे और जो हमारी कार्य संस्कृति है उसको और मजबूत बनाएंगे और धरातल पर उतारेंगे। भाइयों बहनों, राज्य निर्माण के समय से ऊर्जा के क्षेत्र को हमारी आर्थिकी का मूल आधार माना गया था, परंतु हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारा यह लक्ष्य अभी तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया है। अभी धरातल पर बहुत सारी चीज़ें उतरनी हैं। जिस प्रकार की हमें अभी कार्य संस्कृति की आवश्यकता है, उसको और हमें अपने कार्य व्यवहार में लाना है और नवाचार करने हैं, क्योंकि आज जो हमारी दुनिया है, देश है, तेजी से आज ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नवाचार हो रहे हैं। उन नवाचारों में हमको, चूंकि जैसा अभी राधा मैडम ने यहाँ से बोला कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में और इकोलॉजी इकोनॉमी जो हमारा मुख्य आधार है, वह भी हमारा सस्टेन रहे, उसमें भी किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, तो उस क्षेत्र में और जो हमने एक लक्ष्य लिया है अगले 10 वर्षों का, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, निश्चित रूप से उनके ये शब्द हम सबको बहुत ऊर्जा से भर देते हैं। और ऊर्जा के साथ भरने के साथ साथ हम सबके अंदर एक हमारे जो है कर्तव्य का बोध भी कराते हैं। कहीं ना कहीं उनके शब्द हमारे लिए जहां प्रेरणा है, वहीं हमारे लिए चुनौती भी है कि हर क्षेत्र में हमको ये दशक उत्तराखंड का दशक बनाना है।
और आने वाले 10 सालों में हमें जो राज्य की GSDP है, आर्थिकी है, उसको भी डबल बनाना है। वो लोग हमने 5 सालों का लक्ष्य लिया है, प्रधानमंत्री जी ने हमको 10 सालों का एक हमारे सामने एक विजन दिया है, तो उस विजन को साकार करना है और हम सबको मिलकर काम करना है। आपने देखा होगा अभी देहरादून में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड हमने यहाँ पर किया था, और उसमें जो लक्ष्य रखा उस लक्ष्य से कहीं अधिक MOU हमारे हो चुके हैं और बहुत सारे अभी प्रस्ताव के रूप में हैं। जब हम इसकी शुरुआत कर रहे थे तो हमने वास्तव में ये जब 2.5 लाख करोड़ का हमने लक्ष्य लिया था तो ये लक्ष्य हमको बहुत बड़ा लग रहा था। हम सोच रहे थे कैसे इस लक्ष्य तक पहुंचेंगे, लेकिन भगवान की कृपा हुई, बाबा बद्री विशाल की कृपा हुई, बाबा केदारनाथ जी कृपा हुई, आप सबकी शुभकामनाओं से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और जो 2.5 लाख करोड़ का जो लक्ष्य था वो सबमिट होने से पहले ही पूरा हो गया। और अभी भी हमारे सिंगल जी जैसा कह रहे थे कि कितना 40,000 करोड़ का आपका, नहीं और ज़्यादा हो गया है, और बढ़ गया है। आज मेरे पास आपके पास पुराने आंकड़े हैं, आज उन्होंने मुझे अपडेट किया है दिन में। मैंने चूंकि ये सोचा कि इसको आगे इसकी लगातार मॉनिटरिंग करें, लगातार समीक्षा करें, तो आज श्री विनय शंकर पांडे जी मेरे पास लाए थे, तो सब मिलाकर इस क्षेत्र में हमारा 1 लाख करोड़ का जो है केवल ऊर्जा के क्षेत्र में आप सोचिए कि 3.5 लाख करोड़ से लगभग के जो 3.5 लाख करोड़ से अधिक के हुए हैं उसमें अकेले 1 लाख करोड़ के ऊर्जा के क्षेत्र में हुए हैं, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि ऊर्जा का क्षेत्र वास्तव में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं हो सकता। और मैं आपको बताऊं कि समय समय पर मैंने भारत सरकार में भी लगातार अनुरोध किया है कि बहुत सारे छोटे प्रोजेक्ट जो हमारे रुके हुए हैं उन सबको चालू कर दिया जाए, उनकी स्वीकृति प्रदान कर दी जाए, और भारत सरकार की तरफ से भी सकारात्मक रूप से हमको लगातार उनकी तरफ से भी सहयोग मिल रहा है। और हमारी कोशिश है कि ये जो आपने 2200 करोड़ का लक्ष्य लिया है, मैं तो कहता हूँ कि 2200 करोड़ का 2200 मेगावाट का जो लक्ष्य है वो 2200 मेगावाट का लक्ष्य छोटा है थोड़ा। इस लक्ष्य को हमें बढ़ाना चाहिए और इतना लक्ष्य करना चाहिए कि जितनी हमारी इंडस्ट्री आ रही है, आज देखिए पूरे देश दुनिया के लोग उत्तराखंड में काम करना चाहते हैं। ये मैं केवल कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, जो हमने सबमिट करी 40 से भी दुनिया के अधिक देशों ने उसमें भाग लिया है। 30 तो इन्वेस्टर यहाँ पर आए थे 30 देशों के, तो ये इस बात का हमारे सामने बिल्कुल धरातल पर है, हमारे सामने है कि दुनिया के लोगों के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन उत्तराखंड बन रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, उद्योग के क्षेत्रों में आप काम करेंगे ही करेंगे। उन्होंने हमको बेडिंग डेस्टिनेशन भी दे दिया, पूरी दुनिया के लोगों से कहा, भारत के लोगों से कहा कि अब जो है मैं तो यहाँ पर जो लोग आप लोग हैं यहाँ भी, यहाँ से भी लोग जो है ना वो बेडिंग के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं, कोई वहाँ दिल्ली चले जाते हैं, कोई अन्य जगह चले जाते हैं, गोवा चले जाते हैं। वो अब देश के अंदर जाना तो अच्छी बात है कि चले जाएं, लेकिन सबसे अच्छा डेस्टिनेशन कहीं है तो ये हमारा ही देवभूमि है, उत्तराखंड है, जहाँ साक्षात रूप से भगवान फेरे लेते हुए आशीर्वाद देंगे, उससे अच्छा और कौन सा डेस्टिनेशन हो सकता है। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए एक बड़ा द्वार खोल दिया और अब बुकिंगें चालू हो गई। पिछले दिनों जहाँ आपकी धौली गंगा और काली गंगा पर जो प्रोजेक्ट चलते हैं उससे आगे के माननीय ऐसे सीमांत क्षेत्रों का दौरा किया, और अब कुमाऊं मंडल विकास निगम के पास हमारी पर्यटन की साइट पर लगातार देश दुनिया के लोगों के आवेदन आ रहे हैं, बुकिंग की ऑनलाइन डिमांड हो रही है।
एक बड़ा काम आज उत्तराखंड के अंदर होने वाला है और धीरे धीरे ये बढ़ेगा। इस दिशा में हमारी सोच भी बढ़ेगी और निगम का काम बहुत है। निगम CSR के फंड से बहुत सारी व्यवस्थाएं करता है, बहुत सारे काम करता है। आज भी जैसे हमारे शिशु मंदिर के विद्यार्थियों के लिए, बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए उन्होंने बस की व्यवस्था की है, अन्य भी बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण कामों को संचालित करता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में। तो ये बड़ा काम है। मैं आप लोगों से यह भी आज कहूँगा कि आप लोग देख रहे होंगे कि इस समय में देहरादून का कुछ नक्शा बदल गया है। इन्वेस्टर समिट हुई तो पूरा नक्शा बदल गया, रोडें अच्छी हो गई हैं, साफ सफाई हो गई, अच्छी दीवारें बन गई हैं। यह अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जिस दिन समापन हो रहा था समिट का तो मैंने कहा कि ये अभी हमारा ये समापन नहीं है, ये हमारी शुरुआत है, ये हमने एक नया प्रयास शुरू किया है। और 22 सालों के 22 या 23 सालों की राज्य स्थापना के बाद बहुत सारे विषयों पर हम नई शुरुआत कर रहे हैं, बहुत सारे नए काम शुरू कर रहे हैं। तो आज देखिए सड़कें अभी और अच्छी बननी है, हमारे यहाँ की जो बिजली की लाइनें हैं उन सबको भूमिगत होना है, अंडरग्राउंड होना है, उस पर कांट सिटी का काम भी पिछले दिनों धीमा था तो लोग बार बार आवाज़ उठाते थे। अब मैं भी बहुत बार मजबूर हो जाता था कि कैसे इसको करें, क्योंकि कभी बरसात आ जा रही थी, कभी एजेंसियां चेंज हो जा रही थी, कई सारी इस प्रकार की चुनौतियां थी उसमें। लेकिन जब तक कर ना पाओ तो बोलना भी बेकार होता है, क्योंकि मैं इस पर विश्वास करता हूं कि ज़्यादा बोलना नहीं है, पहले करना है। और जब आप करोगे तो आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका काम ही बोलेगा। तो आज सब लोग कह रहे हैं और आप लोग भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे, लेकिन इसमें हमको भी अपना योगदान देना है। आपके आसपास जो जगह स्वच्छ हो गई है, जो अच्छी हो गई है, लिपाई पुताई हो गई है, अच्छा बन गया है, कहीं से कोई अतिक्रमण था वो हट गया है, तो उसमें हर एक व्यक्ति को सहयोग देना है, हर एक को आगे देना है। इसको हमें सस्टेन करना है, ये हमारा बना रहे और बना ही ना रहे बल्कि आगे बढ़े। अगर आज मैं आज अगर भारतवर्ष के सभी शहरों की अगर गणना होगी तो आप भोपाल से आ रही हैं, भोपाल बड़ा अच्छा शहर है, साफ सुथरा। इंदौर उससे बढ़िया शहर है, वहाँ भी इंदौर में भी साफ सफाई है, हैं इंदौर मतलब भारतवर्ष के प्रमुख शहरों में से एक शहर होता है जब उसका सफाई का साफ सफाई में। तो अभी हमारे भी इस देहरादून का नाम देश के प्रमुख शहरों में आ जाएगा, पहले एक दो नंबर में तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन आ जाएगा। आने वाले समय अगर हम प्रयास करें तो हमारा नाम इसमें जरूर आएगा। तो इस दिशा में भी हमको सोचना है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। अभी सिलकारा टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, उसके लिए भी मैं जल विद्युत निगम के भी सभी एमडी साहब समेत पूरी टीम को, आपकी भी चूँकि वो भी काम कर रही थी, उनका भी कहीं ना कहीं सबका योगदान था, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि जो सिलकारा का टनल रेस्क्यू था वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, बहुत कठिन था। मैं आपको बताऊँ, कई बार ये सूझता नहीं था, ये हमारे रामानुज जी बैठे हैं यहाँ पर, पत्रकारिता जी न्यूज के पूरे ब्यूरो के पूरे उत्तराखंड के प्रभारी हैं, तो ये भी वहाँ थे। इतनी बार ऐसा हुआ कि आज कुछ घंटों में बाहर आ जाएंगे, अभी ये पाइप पूरा अंदर चला जाएगा, और कम से कम 7-8 बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल हम पास पहुँचते थे और कोई ना कोई हक जी ऐसा हो जाता था कि बस लास्ट में जाके फिर ऐसी होता था जैसे पेड़ के ऊपर चढ़ गए, टहनी पर चढ़ गए जहाँ पर फल लगा हुआ है, और वहाँ से फिर नीचे गिर जाते थे, 100 से सीधे 0 पर आते थे। और काम करने वाले लोग भी कई बार उनके अंदर भी उत्साह उनका कम होता था, अंदर के लोगों का उत्साह और अलग बात थी। मैं उन मजदूर भाइयों का भी जो उसके अंदर थे उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, उनको भी मैं कि उनका मैं इसलिए अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने बहुत हिम्मत का काम किया। जब अंतिम दिन वो निकलने ही वाले थे और पूरी मशीन फंस गई, पूरी मशीन अंदर डैमेज हो गई, और डैमेज होने के बाद पाइप भी डैमेज हो गया, तो मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे इन मजदूर भाइयों से बात करनी चाहिए। मैं उनके पास गया और मैंने अंदर से जो
फोन की व्यवस्था कर रखी थी, अंदर माइक्रोफोन से बात होती थी। तो मैंने जब उनसे बात करी तो मेरे मन में भी जो एक शंका थी कि ये लोग अंदर जाकर कहीं इनका उत्साह कम तो नहीं हो रहा है, ये कहीं उदास तो नहीं हो रहे हैं, निराश तो नहीं हो रहे हैं, जब उन्होंने मुझे कहा कि साहब आप 5 दिन की बात कर रहे हैं, आप 10 दिन लगाइए, लेकिन हमें विश्वास है कि आप ज़रूर हमको बाहर निकाल लेंगे। और उसके बाद मैंने सारे लोगों को बात बताई, मैंने कहा वो लोग बिल्कुल ठीक हैं, हमें अपना काम नए तरीके से सोचना चाहिए। उसके बाद पाइप कटिंग किया, वो किया, और जो फंसी हुई मशीन थी उसको निकाला काट काट के, हमारे जो वहाँ से रेट माइनर्स आए थे उन्होंने अंदर जाकर पाइप के अंदर जाकर उसकी खुदाई करी, फिर उसको पाइप को बिना मशीन के सहारे वैसे ही पुश किया, और 5 दिन लगेंगे भगवान की कृपा से वो 4 दिन में ही पूरा हो गया और एक बड़ा रेस्क्यू हुआ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम जब रेस्क्यू जैसे ही होना शुरू हो गया, यानी कि पाइप अंदर चला गया और ये हुआ कि अब 8 बजे से ये शुरू होगा और लगभग 2.5 घंटे ये चलेगा, क्योंकि एक को निकालने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। जो NDRF और SDRF ने ट्रॉली बनाई थी, वो ट्रॉली में उनको रखना था, रखने के बाद उनको ऐसे बांधना होता है, बांधने के बाद फिर रस्से से खींचना होता है, फिर यहाँ उनका रस्सा खोलेंगे, फिर दोबारा रस्सा डालेंगे, दोबारा ट्रॉली जाएगी, ऐसे करेंगे तो लगभग एक में 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। यानी 41 लोगों को निकालते निकालते हमें लगा कि 2.5 घंटे कम से कम लग जाएंगे। और पहली बार में 4 लोग आए, 4 के बाद सीधे 11 आ गए एकदम से, तो पता ही नहीं लगा। थोड़ी देर में जो है मुझे लगता है 10-12 और आ गए, और करते करते 37 लोग आ गए, और 37 लोगों को आने में कितना मिनट लगा पता है? मात्र 20 मिनट। तो मैंने बाद में पूछा कि भाई वो 4 लोग क्यों नहीं आए, कौन है 4 लोग? बोले 4 लोग उनके जो है जो लीडर हैं वो नहीं आए, उन्होंने कहा सबसे लास्ट में हम आएंगे। तो मैंने कहा ये तो आप लोग तो कह रहे थे कि 2-2.5 घंटा लगेगा, ये तो अभी तो बहुत कम टाइम हुआ है, 8 बजे हमने शुरू किया और 8:20 हो रहे हैं, मैं घड़ी देख रहा था। तो उन्होंने कहा साहब सब इतने स्वस्थ हैं और वो जो है जो आपने ट्राली की व्यवस्था करी है वो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है उनको, वो खुद ही जो है सब निकल निकल के बाहर आ जा रहे हैं। तो भगवान की बड़ी कृपा हुई, तो ये ऑपरेशन भी आप सब लोगों की शुभकामनाओं से सफल हुआ। तो मैं आज इस अवसर पर आप सब लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। अब समय आ गया है कि हम सब लोग मिलकर यह विचार करें कि कैसे हम UJBNL को और तेजी से आगे बढ़ाएं, कैसे हम इस ऊर्जा क्षेत्र को जिसके लिए हमारे राज्य की स्थापना हुई है उसको प्राप्त करें। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध होके निरंतर कार्य कर रही है और मैं स्वयं लगातार कोशिश करता हूं कि सभी विभागों की समीक्षा में बैठूं, सबके साथ सबके विचारों को सुनूं और अपने भी जो इनपुट्स हैं वो इनपुट्स लगातार दूं। अभी ऊर्जा क्षेत्र की जो विकास योजनाएं हैं उनको समय पर पूरा करने में जो हमें केंद्र की सरकार है उसका भी लगातार सहयोग मिल रहा है। इसका उदाहरण है, आप लोगों ने देखा कि अभी लखवाड़ विद्युत जल परियोजना जो काफ़ी दशकों से रुकी हुई थी, कब से रुकी थी सिंगल जी? कई, तो इतने लंबे समय से 4 दशक लगभग हो गए थे, और 4 दशकों से जो रुकी हुई योजना उसको भी भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जब वो देहरादून आए 2 दिसंबर को, मुझे ध्यान है 2 दिसंबर 2021 को, तो जब पूरा वो देख रहे थे तो 82 परियोजना का और उसका सारा जो पायलट रखा हुआ था उसको देख रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि हमारा लखवाड़ का स्वीकृति नहीं मिली है। तो उन्होंने कहा आपने कार्यालय को बताया क्या? मैंने कहा कार्यालय को बताया तो नहीं, लेकिन हमारे यहाँ से चिट्ठी भेजी है। तो रात को प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से मुझे फ़ोन आ गया कि कौन सी योजना के बारे में आपने कहा था, और उसके 10 दिन बाद या 12 दिन बाद भारत सरकार ने उसको स्वीकृति प्रदान कर दी और 30 दिसंबर को इसका शिलान्यास हो गया था। अब हमारा प्रयास होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसका काम पूरा हो, क्योंकि इस योजना के पूरा हो जाने से 475 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन होगा, जो हमारे लिए ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा नए अवसर भी हमारे सामने लाएगा। इसी प्रकार से जमरानी बांध परियोजना भी कई दशकों से रुकी हुई थी,
जमरानी को भी अभी स्वीकृति प्रदान हो गई है। 82 परियोजना का काम आप लोगों ने पूरा कर दिया है। इससे निश्चित रूप से इस योजना के पूरा होने से जौनसार भाभर के क्षेत्रों को उच्च गुणवत्ता की जो विद्युत आपूर्ति है वो सुनिश्चित होगी और दूसरी ओर स्थानीय लोगों के जीवन में भी बड़ा सुधार आएगा। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी, जिन्होंने लखवाड़ विद्युत परियोजना जिसका कि 300 मेगावाट का कार्य प्रारंभ हुआ है और इसके लिए इससे 5 राज्यों के लिए, ऐसा हमारे MD साहब ने बताया कि 5 राज्यों को जल की आपूर्ति भी होगी। मध्य महेश्वर परियोजना भी सफलतापूर्वक अपना उत्पादन करेगी आने वाले इस वित्तीय वर्ष के अंत तक, ऐसी मेरी आप सबसे अपेक्षा है कि उसका काम भी पूरा हो जाएगा। इन बृहद योजनाओं के अंतर्गत यमुना घाटी में 3 प्लासू जो 72 मेगावाट की है जल विद्युत परियोजना और आराकोट त्यूनी की 81 मेगावाट की परियोजना की DPR बनने की प्रक्रिया भी चल रही है। भाइयों बहनों, हम लोग चूंकि बहुत सारी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं और सरकार का ये मानना है कि जीरो पेंडेंसी है उस पर हम सबको काम करना है। आज जहाँ हमारा स्थापना दिवस है, इस स्थापना दिवस पर हमको ये संकल्प जरूर लेना चाहिए कि जितनी भी पेंडेंसी मेरे आसपास हैं, मैं कोशिश करूं कि मैं उस पेंडेंसी को समाप्त करूं, उस पेंडेंसी का निस्तारण करूं और एक वर्क कल्चर के रूप में अपनी आदतों में, देखिए आपके ऊपर अगर ये हमेशा आपके ऊपर ये बोझ बना रहेगा कि ये काम करना है नहीं हो रहा है, तो कहते हैं कि वो जो काम करना है तुरंत करिए, कल करे सो जो आज करे सो अब। तो इस प्रकार की बात हमें अपने मन में रखनी होगी और अपने जो दायित्व हैं उसके साथ हमें जो है कहीं ना कहीं एक न्याय करना होगा कि उसमें कोई कहने वाला नहीं है कि हमें ये काम करना है, हमारे लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करने वाला, हमें अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने हैं। अगर अपने अपने स्थानों पर हम अपने लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे और हमारा जो लक्ष्य है वो हमको प्राप्त होगा। सरलीकरण, समाधान, निस्तारण, ये हमारा और संतुष्टि, इस मंत्र को आत्मसात करते हुए, इसको कार्य संस्कृति में लाते हुए हम सभी कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी विभागों में पारदर्शिता हो, निष्पक्षता के साथ काम हो, समय के साथ काम हो, गुणवत्ता के साथ काम हो, इस पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। और ये जो हमारा विभाग है UJBNL, ये जो निगम है, इस निगम को भी एक आदर्श प्रस्तुत करना है और बहुत आसानी से आदर्श प्रस्तुत कर सकता है, एक मॉडल बन सकता है अन्य निगमों के लिए, अन्य विभागों के लिए कि इसमें हमारे इस प्रकार से काम हो रहे हैं कि सारे लोग कहें कि देखिए इतना अच्छा निगम बना दिया हमारे MD साहब ने, हमारे डायरेक्टर लोगों ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे कार्मिकों ने मिलकर कि सबसे अच्छा हमारा निगम कैसे हो, मेरा निगम सबसे अच्छा, ये हमारे अंदर ये सोच आनी चाहिए कि हर जगह हमारी प्रशंसा हो। तो निश्चित रूप से अगर हम इसको करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ऊर्जा विभाग में 2008 में केंद्र सरकार द्वारा जो जल विद्युत नीति लाई गई थी उसे लागू नहीं किया गया था, लेकिन हमने पिछले दिनों कैबिनेट में इस नीति को लागू करने का प्रयास किया है। मैं आप सभी से एक अपील और करना चाहूँगा कि ऐसे कई मामले मेरे संज्ञान में आए हैं जिसमें जो हमारी संपत्तियां हैं, जो उन संपत्तियों पर बहुत सारी जगह पर अतिक्रमण हो रहे हैं, वो अतिक्रमण पर हमको ध्यान देना चाहिए। और चूंकि वो ज़मीन हमको जिस उद्देश्य से सरकार ने दी है या हमको जो आवंटित हुई है वो उसी के काम आए, क्योंकि हमारी सरकार किसी भी कीमत पर, एक चीज़ हमने बड़ी स्पष्ट कही है कि अतिक्रमण को किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अतिक्रमण जो है हटाना है। और आप सब जानते हैं कि इसके कारण से बहुत व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं और इस पर हमें सख्ती से काम करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग, जो हम लोगों ने उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लिया है और ये संकल्प हमारा बिल्कुल विकल्प रहित है, ये हमारा एक मिशन है, इस मिशन में कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये केवल मिशन मेरा नहीं है, ये मिशन हमारे उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों का है, समूचे उत्तराखंड का मिशन है।
उस मिशन को हमें पूरा करना है, और जब हम सब मिलकर इस दिशा में काम करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे यूजेबीएनएल के आप जैसे ऊर्जावान व कर्तव्यनिष्ठ कर्मी उपलब्ध संसाधनों का सही प्रयोग करते हुए प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में देश का नंबर वन राज्य बनाने के लिए जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, इसी प्रकार निरंतरता से कार्य करते रहेंगे, अपना योगदान देते रहेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी को, जो आपने आज लाभांश भी हमको दिया है, उसके लिए भी, और मेरा यह भी रहेगा कि लाभांश आपका हर साल बढ़ता रहे, हर साल बढ़ता रहे। आपने इतने करोड़ में पहुँचे हैं, इसमें बढ़ोतरी होती रहे। एक बार पुनः मैं आप सभी को आज के इस स्थापना दिवस पर बहुत ढेरों सारी बधाई देते हुए, बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि इसी प्रकार निरंतरता से हम सब प्रगति की ओर आगे बढ़ेंगे। आप